नमस्कार मित्रों, आज हम आपको अपनी वीडियो में एक प्रमुख स्थल दिखा रहे हैं। ये है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा देहरादून से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह जो स्थल है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ की जो ये धारा है, जो जल है, इसमें गंधक का पर्याप्त मात्रा पाया जाता है, जिसमें स्नान करने मात्र से ही और उसके जल का सेवन करने से ही शरीर के स्किन, जितने भी चर्म रोग संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। यहाँ बड़े दूर दूर से लोग स्नान के लिए, घूमने के लिए यहाँ नित्य प्रतिदिन आते हैं और यहाँ इतनी खूबसूरती है जिसका कोई वर्णन नहीं कर, देख सकते हैं। ऊपर से भी ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर से ऊपर झरने के रूप में झरझर झरझर आप देख सकते हैं। ये पानी का जो है जलप्रपात प्रवाह हो रहा है, ये देखो कितने सुंदर, ये पानी फुहारे की तरह गिर रहा है। चारों तरफ सुंदरता है, ऊपर पहाड़ में गुफाएं हैं, बहुत सुंदर धारा कितनी सुंदर बह रही है देख सकते हैं। ये है सहस्त्रधारा, नाम से ही पता चलता है, देख सकते हैं। ये पर्यटक स्थल के रूप में भी इसको घोषित किया गया है देहरादून उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ये जो कुंड है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं अपने चर्म संबंधी रोग के लिए, ये वही कुंड है जहाँ पे लोग स्नान करके अपने चर्म रोग दूर करते हैं। बड़ा सुंदर ही लोगों ने व्यवस्थित बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते लिखा है, नहाने से चर्म रोग एवं पीने से पेट के रोग दूर होते हैं। गंधक जल कुंड का यह स्थान है, कुंड है। निर्मल धारा अविरत बह रही है, सुंदर और स्वच्छ जल। सहस्त्रधारा तो हम ये वीडियो आपके लिए ले आए थे, तो कृपया आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें, इसको जानें, इसके बारे में आएं। बस इतना ही आपके लिए यह वीडियो है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।